हाँ जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू योर ऑन चैनल राइट ऑन। ठीक है, तुहाडी जो UGC नैट की नोटिफिकेशन हैगी है, ये आउट हो चुकी है। UGC नैट में अप्लाई करने की जो थोड़ी डेट है, दैट इज़ फ्रॉम 30 अप्रैल टू 20 मई। तुसी 20 मई तक ये जो फार्म हैगा इन तुसी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, UGC नैट में प्रिपेयर किमें करना है, फुल स्ट्रैटर्जी की है। जो ये वीडियो हैगी थोड़ी इस टॉपिक के उपर है सारी की सारी, कि जो सब तो पहली गल देखो, जो भी तुम UGC नैट अप्लाई करते हो तो जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है, मिनिमम एलिजिबिलिटी वो की है, कम से कम तुहाडे कोल की होनी चाहिए, अपनी मास्टर डिग्री होनी चाहिए है। मास्टर डिग्री मतलब तुमने MA करी हो, ठीक है, MCOM करी हो, ठीक है, जिसने किसी स्पैसीफिक टर्म के MSc करी हो, तो मास्टर डिग्री के नाल UGC नैट का जो पेपर हैगा अप्लाई कर सकते हो। तो तुसी मतलब कि एलिजिबल कैंडिडेट मने जाओगे, तो कम से कम 55% जो नंबर ने कि वो अपने इन तिना मास्टर डिग्रीज के जो भी चाहे तुसी कर दो, चाहे MA कर दो, MCOM कर दो, MSc कर दो, घट्टो घट्ट तुहाडे कोल 55 जो परसेंट है नंबर वो ये होने चाहिए ने। ठीक है, ता ही तुसी इहदे लई एलिजिबल मने जाओगे, अदरवाइज तुसी एलिजिबल नहीं मने जाओगे। ठीक है, नैक्सट आप गल करते कि UGC नैट हुंदा की है। ठीक है, तो क्योंकि मेरे लिए बच्चों को नहीं पता, तो सब तो पहले ये चीज़ है कि मैं तुम्हें ये बारे इन्फॉर्मेशन देवा कि यह हुंदा की है। ठीक है, देखो जो भी आप टीचिंग फील्ड की गल करते, टीचिंग फील्ड के देखो बहुत सारे कोर्सिस ने जो आप करते हैं। सब तो पहले ETT, जो भी तुम ETT करते हो, ठीक है, तो जो तुम 5th तक के जो आप एक एलिजिबल कैंडीडेट बनते हो, 5th क्लास तक के तुम की करोगे कि गवर्नमेंट टीचर बन सकते हो। उस तो बाद अपने को होंगी है DLED, ये DLED नाल 8वीं तक के टीचर बनते हो, 8th क्लास तक के तुम की बनते हो, टीचर बनते हो। ठीक है, फिर तुम करते हो BEd तक, तुम BEd करके 12th तक के जो टीचर हैगी बन सकते हो। ठीक है, जे तुसने मतलब बैचलर्स के नाल BEd की है तो तुम 10th तक के टीचर बनोगे, कि जे तुमने मास्टर्स के नाल की है, जब तुमने कोई MA करी है, MA के नाल तुम BEd की है, तो तुम 12th तक एक लैक्चरर की जो पोस्ट होंगे तुम वो अप्लाई कर सकते हो। देखो जे तुमने BA तो BEd करी है, जो BCOM BEd लगा लो, BSc BEd लगा लो, तुम 10th तक के टीचर बन सकते हो। लैक्चर कैडर तुम अप्लाई नहीं कर सकते, लैक्चर कैडर लैक्चरर बनने के लिए जो तुम लैक्चर कैडर अप्लाई करते हो, वो तुहाडे कोल मास्टर डिग्री जरूरी है। ठीक है, मास्टर डिग्री अप्लाई करोगे तो मास्टर डिग्री तो BEd ये दो अपने को मतलब एलिजिबिलिटीज होंगे। उस तो बाद ठीक है, जो तुम मास्टर डिग्री करते हो तो एक अपने को नैट का पेपर आता है। ठीक है, जो आप नैट का पेपर आप देने, देखो बहुत ही क्लीयर जी गल है, सॉरी थोड़ी जी पेन पैर के प्रॉब्लम आ रही है। नैट जो तुम करते हो तो तुम कॉलेज के जो अपने ग्रैजुएशन ने BA टीच करोगे या BCOM टीच करोगे, अगर थोड़े को नैट है, समझ गए, एक स्कूलिंग तक तुम BEd करते हो, DLED करते हो, ETT करते हो, बट अगर तुम कॉलेज लैवल पर जाना चाहते हो, एक प्रोफेसर बनना चाहते हो, तो वो तुम जो नैट है वह जरूरी, वो मिनीम क्वालिफिकेशन है। जिमें 5th तक की क्वालिफिकेशन मिनीम की है, दैट इज़ यूअर ETT। ठीक है, कि तुम ETT का जोड़ा टैट है तुम क्वालिफाइड किया होना चाहिए। MA DLED के भी तुम टैट वगैरह देने पैदे। ठीक है, सेम जो तुम BEd की गल करते हो, 10th तक के लिए भी तुम टैट का पेपर 1 हों। ठीक है, फिर तुम की करते हो अपना मास्टर डिग्री का जो पेपर है तुम दे, सैकेंड पेपर तुम कि दे रहे हो, किसका, अपना मास्टर डिग्री का। ठीक है, तो जब तुम 12th तक की गल करते हो तो थोड़े को सिर्फ मतलब कि तुम टैट वगैरह देने की लड़ नहीं पैंती, तुम सिर्फ की करना मास्टर डिग्री प्लस BEd, तो तुम जो अपना लैक्चर कैडर का एग्जाम है तुम वो दे सकते हो। ठीक है, इतने तुम मास्टर डिग्री मास्टर कैडर। हुण अगर तुम देखो नैट है, नैट के लिए तो कम से कम की होनी की चाहिए है, मास्टर्स करोगे, तुहाडे कोल MA दी है, तो तुम नैट करोगे, अप्लाई करोगे, नैट क्वालीफाई कर दो, तो तुम की करोगे अपनी अगे जो असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्टा होंगे ने, तुम वह की कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। असिस्टेंट प्रोफेसर जो पोस्टा ने, तुम ये की कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। देखो बेटे, बहुत ही सीधी जी गल है,
ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ATT ਦੇ ਵਿੱਚ, PR ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਰੈਪੂਟੇਟਡ ਜੋਬ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਟ ਨਹੀਂ ਕੀ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਨੈਟ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੈਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸੋਰੀ ਆਪਣਾ BR ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਦੂਜਾ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਐਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ BR ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ BR ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਟ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ। ਐਵੇਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਪੇਪਰ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੈਟ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਜੋਬ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਨੰਬਰ 2 ਹੋਏਗਾ। ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਸਦਾ ਨੈਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦਾ ਨੈਟ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸੁਣੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੈਂਪਸ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਦਰ ਕਾਲਜਿਸ ਨੇ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜਿਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ SGPC ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਟੀਚ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ SGPC ਦਾ ਕਾਲਜ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੈਂਪਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਪੈਕੇਜ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦਾ। ਸੈਲਰੀ ਪੈਕੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲੇਗਾ ਨੈਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? 21,600 ਮਿਨੀਮਮ ਹੈ ਇਹ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਮਿਨੀਮਮ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਮਿਲੇਗੀ? 21,600 ਮਿਲੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਨੈੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆ ਸੈਲਰੀ ਜੋ ਹੈਗੀ ਉਹ ਅਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੈਪੂਟੇਟਡ ਜੋਬ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਜੋ ਕਿ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਨੈੱਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੈੱਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੂਨ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪੋਸਟ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋਵੋਗੇ? ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋਵੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਟੈਟ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਡਿਲੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਐਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਨੈੱਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ 56,100 ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਅਦਰ ਟੈਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਲਗਾ ਲਓ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸਟਰ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਐਡਾ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 100 ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ 100 ਕੁਸ਼ਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 80 ਕੁਸ਼ਚਨਸ ਵੀ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ 56,100 ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਲ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨਲ ਪੀਰੀਅਡ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੋਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕੋ ਕਿ ਟੈਟ ਅਤੇ ਨੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੈਟ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਨੈੱਟ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੁਆਇਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜਾਂ ਟੈਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨੈੱਟ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਟੈਟ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਵਲ ਦਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੈੱਟ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਹਾਇਰ ਸੁਪਰੀਮ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਕੁਛ ਇਹਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਨੈੱਟ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਕਲੀਅਰ ਆ ਸਾਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਆਪਣਾ ਨੈੱਟ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੈੱਟ ਦੀ ਆਊਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੋ ਆਪਣਾ ਨੈੱਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ 2 ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੇਪਰ 1 ਅਤੇ ਪੇਪਰ 2। ਪੇਪਰ 1 ਹੁੰਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੋਮਨ ਫੋਰ ਐਵਰੀ ਵਨ, ਅਤੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਪੇਪਰ 2 ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਮਰਸ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਮਰਸ ਦਾ ਦਊਂਗੀ ਪੇਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਦੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਬਜੈਕਟਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਕੀ ਦੇਗਾ, ਪੇਪਰ ਦੇਗਾ।
पेपर वन इज़ कॉमन फॉर एवरी वन एंड पेपर टू इज़ द सबजैक्ट पेपर। ये सबजैक्ट कहड़ा जो तुम मास्टर डिग्री के किया। कदे कदे बच्चे ने डबल मास्टर डिग्रीज करिया होंदिया ने तो वो एक मास्टर डिग्री का ही नैट अपलाई कर सकता। जिवें कई इकनोमिक्स की मास्टर डिग्री करी है तो इकनोमिक्स का अपलाई करेंगे। यही नहीं हुंदा कि तुसी मास्टर डिग्री कोई होर करिए नैट तुसी किसी होर सबजैक्ट का दे सकते हो। यह चीज़ कदे नहीं हुंदी। जिहदा मास्टर्स की जो सबजैक्ट की ओहदे विच ही तुसी इह जो नैट हैगा इह तुसी अपलाई कर सकते हो। ठीक है, जे तुहानू मतलब कि यह वीडियो मेरी समझ दे विच आ रही है तो तुसी इंट्रस्टड हैगे हो नैट करन दे विच, ठीक है, तो इसनू अपलाई किवें करना नैट नू, यह भी मैं तुहानू एक वीडियो बना के पोस्ट करूँगी। तो नैट नू पढ़न दे लई जो सिलेबस है, ठीक है, वह आपां स्टार्ट करांगे महीने डेढ़ महीने दे विच। अपना जो सिलेबस हैगा पेपर वन का वो आप ईजली की कर लेंगे कंप्लीट कर लेंगे। देखो जो अपना पेपर वन है ये क्वेश्चन किन्ने होंगे ने 50 क्वेश्चन होंगे। पेपर टू के किन्ने क्वेश्चन होंगे 100 क्वेश्चन होंगे। कोई नैगेटिव मार्किंग नहीं हैगी, कोई टेंशन नहीं है फालतू की, ठीक है, क्योंकि जो अपने को नैगेटिव मार्किंग होंगे ना अपने दिमाग च हो जाता भी सही या गलत, ये जो तुम्हें लगता तुम लगा के आ सकते हो। तो 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, मतलब 100 नंबर का तुम्हें पेपर वन आएगा, ये भी 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो यह 200 नंबर का होगा। ठीक है, तो तुम ने ये 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने ने, ये तुमने 100 पेपर 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने। मैं जी तुम कोचिंग हैगी है, ठीक है, जो आप क्लासेस स्टार्ट करांगे इन्हें 50 क्वेश्चन की करांगे। ठीक है, जो पेपर टू है दैट इज़ योर सबजैक्ट पेपर। ठीक है, जे तो मेरा जो सबजैक्ट है दैट इज़ कॉमर्स। अगर कॉमर्स वाले बच्चे होंगे तो मैं कॉमर्स का अलग बैच स्टार्ट कर लूँगी, बट अगर सिर्फ पेपर वन के बच्चे होंगे ने तो सिर्फ पेपर वन के ही आप करांगे तैयारी करांगे। 50 क्वेश्चन ने, ठीक है, तो सिलेबस बहुत लिमिटेड है, 10 सैक्शनस ने अपने को सिलेबस के 10 सैक्शनस के अपने 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने ने। जे तुम ये 40 प्लस भी लैके जाने क्वेश्चन 40 प्लस सही कर दो थोड़ा नैट ऑटोमैटिकली क्लीयर है। नैट करके बंदा, ठीक है, ना ही प्राइवेट मार्क आता ना ही सरकारी, तो जो तो लखा तनखाह हो जाती है फिर तो ठीक है आपको पता ही है, क्योंकि जिम्मे अपना टैट करके प्रोविजनल पीरियड के पहला घट सैलरी होंगी फिर कंप्लीट हो जाती है, एवं ये भी कंप्लीट होएगी। ठीक है बेटे, देखो हम अपने को पेपर वन के 50 क्वेश्चन आएंगे 10 सैक्शन के आएंगे, तो वह 10 सैक्शन का जो सिलेबस है मैं तुम्हें नैक्सट वीडियो के शेयर करूँगी। इस वीडियो के जे तुम्हें कोई भी डाउट होया तो तुम मैं कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो जे तुम मतलब पेपर वन स्टार्ट करना चाहते हो तो मैं टाइमिंग वगैरह जो भी तुम इंट्रस्टड है जिम्मे ईवनिंग टाइमिंग रखी है या मॉर्निंग टाइमिंग रखी है तो तुम मैं वो कमेंट कर सकते हो, अपना सजैशन दे सकते हो, क्योंकि जिन्ना बच्चे होंगे आई वुड लाइक टू प्रैफर द लाइव क्लासिस तो वो हिसाब न आप पढ़ा तो बहुत क्लीयरली। टैट की तैयारी करो, नैट की तैयारी करो, दोनों सबजैक्टा लैके चलो। आई थिंक सो थोड़े वास्ते बहुत वधिया होगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक सारे। जो नैट की यह नोटिफिकेशन है और मैं तुम्हें जो भी अपनी आई है तो टैलीग्राम चैनल के शेयर कर दाँगी। ठीक है, जिदा लिंक जरा है नीचे डिस्क्रिप्शन के गिवन है। ठीक है, जो भी तुम ऑल ओवर वह एलिजिबिलिटी वाइज मैं तुम्हें दस ही चुकी हूँ। ठीक है, मेन मेन यही चीज़ है, उस तो बाद उसको अपलाई किमें करना है वो भी आप एक अलग वीडियो बनावे। ठीक है, तो जेकर कोई नोटिफिकेशन डिटेल पढ़ना चाहता है तो वो जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन के गिवन है टैलीग्राम चैनल के। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। वो तो बाद शेयर करो, लाइक करो, तो यही थोड़ी सपोर्ट है जो सूँ अगे नवे नवे वीडियोज़ बनाने हेल्प करते हैं। थैंक यू वेरी मच।